गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी को खाना खिला। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे खाना बन रहा है। हमारे घर पे चूल्हे पर ही खाना बनता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों सुबह के 9 बज गया है और मम्मी को बेड पर से लिया है और धूप में, क्योंकि गाइस मम्मी को सोए सोए ना पीठ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है और जो हाथ में है ना उसमें कनकनी होने लगता है। वैसे वो मम्मी को उठा के लिया है और यहाँ पे धूप में बैठा दिए। रौद में बैठल दुआ करू जे हम नीमन हो। दोस्तों देख रहे हैं मम्मी की हालत इतना खराब है, इतना तबीयत खराब है, तभी भी अपने बच्चों के खुश रहने की कामना करते हैं, दुआ करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मम्मी के लिए दुआ कीजिए ताकि मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो गाय यहाँ पे सुबह सुबह उठे हैं। गाय देखिए पापा जी सब गोबर उठा दिए हैं और गैया को खाना देकर चले गए हैं, क्योंकि मम्मी थी सही तो कहीं ना कहीं से घास लेके आती थी, लेकिन मम्मी का जब से मतलब ये तबीयत खराब हुआ है तब से गैया के खाना में थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो बांस का पत्ता उत्ता तोड़ के लाते हैं पापा जी, उसी को कुटी काटते हैं और खिलाते। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सुबह सुबह इतना सारा बंटा है और देखिए हम लोग रोपे थे गाय यहाँ पे बैगन, वो बैगन फरना शुरू हो गया है। तो चलिए गाय चलते हैं फटाफट। धान जो हम लोग काटे थे, दौनी कराए थे, उस धान को किसी छत दूसरे के छत पे पसारे हुए हैं सूखने के लिए, और सूखने के बाद उसको कुटाते हैं तब हम लोग खाना खाते हैं चावल। तो उसी धान को जा रहे हैं पसारने के लिए छत पे, किसी और का जस्ट बगल में वहाँ पे छत दिख रहा होगा, उसी छत पे धान रखे हुए हैं। चलिए उसको पसार देते हैं ताकि उसमें धूप लगेगा तो सूख जाए। मम्मी जाए जी, ठीक हूँ। जा धान पसारा, छोटा सा रिक्वेस्ट है इस भाई की तरफ से कि आप सभी लोग चैनल पे आते हैं गाइस तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेशन करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। तो गाइस सब्सक्राइब। सब्जी चावल बन रहा है और यहाँ पानी आ गया था, पानी हम लोग यहाँ पैक कर लिए हैं। सोड़ने के बाद खाना बन रहा है गाइज इस पत्ता पर, देख रहे हैं अभी जलावन का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, परेशानी चल रहा है, तो इसीलिए इस पे खाना बन रहा है। और देखिए सुबह सुबह यहाँ घर का जो गोबर है ना गाइज यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि घर का आज निपाई पुताई होगा जिसके लिए दोस्तों। तो गाइज देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे खाना बन रहा है। हमारे घर पे चूल्हे पर ही खाना बनता है, आप लोग हमेशा देखते हैं वीडियो में, क्योंकि मतलब गैस खत्म है, गैस नहीं है। और सुबह सुबह गाइज घर से बाहर निकलने के बाद कुछ इस प्रकार के मौसम है और धूप निकल गया है, तो साफ है मौसम आज का। देहात में पता है क्या होता है, छत तो सबके पास होता नहीं है, किसी किसी के पास छत होता है। जितने भी गरीब आदमी हैं जिनके पास छत नहीं है वो दूसरे का छत का उपयोग करते हैं धान पसारने के लिए, गेहूँ पसारने के लिए। सही गाइज हम भी यहाँ पे दूसरे के छत में आए हैं धान को पसारने के लिए। चलिए गाइस पसारते हैं, आप लोग बैठ। धान जो था उसको पसार दिए हैं सूखने के लिए और 2-3 घंटा के बाद जाएंगे फिर से सुखाएंगे। और घर पे आ गए हैं और देखिए मम्मी क्या कर रही है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और मम्मी को सेवाबाड़ी कर रही है और मम्मी यहाँ को यहाँ पे खाना दी है और वो हाथ में गाइज नहीं उठता है तो खाना खिलाना पड़ता है मम्मी को। तो गाइज यहाँ पे देखिए मम्मी को खाना खिला रही है। तो चलिए गाइज अब यहाँ ट्रैक्टर आ गया है, कुट्टी काटने वाला मशीन है, तो कुट्टी कैसे कटाता है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली हमारा कुट्टी जो है कट गया था, देख रहे हैं यहाँ पे था बहुत सारा पोड़ा और यहाँ पे देखिए कुट्टी कटने के बाद कुछ इस प्रकार के है। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे कुट्टी कटाए हैं, पूरा नाक में, कान में, पूरा बाल में इतना गर्दा उड़ा है क्या बताऊँ, लेकिन खैर काम हो गया गाइस। और ये भूसा है और इस भूसा को अब ढोएंगे, अपना घर में वहाँ शिफ्ट करेंगे बड़ी।
तो दोस्तों रात के 10 बज गया है, हम लोग खाना पीना खा लिए, सभी लोग सो गए, अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। मम्मी को खाना पीना खिला दिए, दवा भी खा लिए और चले गए सोने के लिए, मतलब मम्मी को सुला दिए हैं। तो चले गए, आज का जो ब्लॉग था, आज का जो वीडियो था, आप लोग कैसा लगा कमेंट बताइएगा। और गाइज आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम लोग आगे काम करें। और दोस्तों ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा, आप इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।